हेलो एवरीवन, मेरे ग्री लाइवर चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है वो बहुत ही यूनिक सा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है, और उसी की आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। और वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। वो ये प्लांट है आइस प्लांट, और इसको आइस प्लांट भी कहते हैं, इसको मिडे प्लांट भी कहते हैं, और भी इसके कई सारे नाम हैं। और ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत है, वास्तव में ये यूनिक प्लांट है। ये देखो कितना खूबसूरत लगते हैं इसके, और ये कितने प्यारे फ्लावर हैं इसके। देखिए, मैं इस प्लांट को यूनिक क्यों बता रही थी, इसके बारे में देखो मैं दिखाती हूँ आपको, इस प्लांट को दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये एक तो इतना खूबसूरत है, इसकी लिप्स भी, ये वैसे सैकुलेंट फैमिली से ही है, तो इसकी ये लिप्स भी काफ़ी थिक है। और ये देखो, ये आइस प्लांट इसे क्यों कहते हैं, ये देखो इस पे आइस की तरह ये जमा रहता है सफ़ेद सफ़ेद, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये धूप में तो इतना सुंदर लगता है, ये आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये सारे जितनी भी ब्रांचेज है सभी पे ये बर्फ़ जैसा, इसका ये क्रिस्टल जैसे लगा हुआ है, तो इसलिए इसे आइस प्लांट कहते हैं। और ये देखो, इस पर भी दोनों पे सभी पे मिलेगा, इस पर भी ऐसे ही मिलेगा, ये देखो सभी पे, ये देखो। और इसकी जो है लिप्स भी सुंदर लगती है, और देखो ये फूल भी कितना प्यारा है, ये देखो। और जब इसके ये सारे खिल जाते हैं तो ये सारे ऐसे गमला भर देता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अब देखो इसमें कितने सारे खिल गए, और अभी ये 4 बजने वाला है, इसलिए थोड़े थोड़े बंद होने लगी। और ये सूरज के साथ ही खिलते हैं, अगर सूरज निकलेगा तब तो ये खिलेंगे, अगर बाई चांस सूरज किसी दिन नहीं निकला तो ये नहीं खिलेंगे, ये ऐसे बंद रहेंगे। और ये देखो इसमें कितने सारी बड्स बनी हुई है, ये देखो, और इतने सारे फ्लावर आएंगे ना, ये सब जितनी भी ब्रांचेज है सब पे एक करके दिखा दो, कितने सारे ये सारे फ्लावर ही बनेंगे। और जब ये फ्लावर सारे खिल जाएंगे, ये बड्स सारे, तो ये सारा पूरा का पूरा गमला ये पूरा जो है ये भर जाएगा। और ये देखो कितना, ये कितने सारे खिल गए, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब मैं देखो, ये तो बता दिया मैंने, और ये वैसे विंटर का ही प्लांट होता है, जहाँ ये सर्दियाँ होती तो ये सर्दियों में तो खिलता है, हमारे यहाँ जैसे गर्मी भी सर्दी होती तो ये हमारे यहाँ गर्मियों में नहीं खिलता, और जहाँ दोनों जैसी ठंड पड़ती है पूरे साल, जहाँ पे विंटर होती है तो ये वहाँ 12 महीने चलता है, और जैसे हमारे यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों होती है तो ये हमारे यहाँ विंटर में ही खिलता है। और ये बाद में अगर हम इसे बचा सकते हैं गर्मी से और बरसात से, तब तो ये बच जाएगा, और वाई चांस हम नहीं बचा सके तो ये नहीं बचेगा, क्योंकि ये ठंड का प्लांट है। और ये जो है बीजों से भी आराम से लग जाता है, जैसे ये गर्मी ख़त्म होती है, बरसात ख़त्म होती है, और यहाँ पे तो हमारे यहाँ जो है जब ठंड शुरू हो जाती है तो ये अक्टूबर नवंबर में इसका जो है सीड्स लगते हैं, और अभी तो ये जनवरी चल रहा है, अब तो इसका लगाना बेकार है। अब तो अगर आपको प्लांट मिलते हैं, जैसे ये सैपलिंग मिलती है तो वो ले आओ तो वो अच्छा रहता है, ये नर्सरी में मिल जाते हैं या प्लांट ऐसे बने बनाए ये मिल जाते हैं तो ये अच्छे रहते हैं। अब मैं इसकी सोयल बताती हूँ, ये गार्डन सोयल 50% गार्डन सोयल लेंगे, और 50% इसमें हम ये सैंड लेंगे। ये देखो, ये 50% गार्डन सोयल और 50% ये सैंडी, ये क्योंकि ये जो है सैंडी सोयल पसंद करता है, इसलिए हम इसमें सैंड की मात्रा भी इसमें 50% डालेंगे, और 50% हम इसको ये गार्डन सोयल देंगे। अगर आप में के मिट्टी में सोयल में गार्डन सोयल में अगर सैंड है ज़्यादा तो इसको कम कर दीजिए हिसाब से अपने। और ये मैं इसको वैसे ये जो है कंपोस्ट ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन फूल के लिए हम इसको देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको एक गमले में 2 मुट्ठी ये में ये कंपोज दूंगी, और 2 मुट्ठी ये में नीम खली दूंगी, जिससे ये फंगस ना लगे। वैसे इस प्लांट को फंगस भी कम लगती है, लेकिन बाई चांस हमारे इतने सारे प्लांट होते हैं तो ये लगने का डर रहता है। तो ये मैं ये वाला देखो, मैं दिखाती हूँ आपको मैं कौन सा वाला, ये मैं ये फ्लावर में या सब्जी में, ये दोनों में चलता है, तो ये मैं इसको कंपोस्ट दूंगी, ये शक्ति वाला, ये मैन्योर वाला ऑर्गेनिक है, और मैं नीम खली, और मैं इसको नीम खली दूंगी। ये सब इसका ये सोयल है, ये देखिए मैंने इसका मिक्सचर
ये पूरा मिक्स कर लिया, इसको मिला दिया है। और अब मैं इसको लगाऊंगी। और देखो एक बात का हमें और ध्यान देना है, जब हम ये गमला लेंगे, ये हम गमला जो लेंगे ना, ये बड़े मुंह का चाहिए हमें इसमें, क्योंकि ये प्लांट ना नीचे ही नीचे फैलता है। और ये तो इस तरह का है, देखो इधर को गिर गया जैसे, तो इसको ये प्लांट जो है इसके ब्रांचें नीचे नीचे फैलेंगे, इसलिए हमें ये बड़े मुंह का गमला लेना है। चाहे ये इधर से ये छोटा हो, चाहे ये लेंथ इसकी कम हो सकती है, कम से कम 6 इंच तो चाहिए, खैर सभी में तो 6 इंच की इसकी लंबाई हो और चौड़ाई इसको ज़्यादा हो तो अच्छा है, चाहे इससे भी बड़ा हो तो तब भी चल जाएगा, तब भी अच्छा रहेगा इसके लिए। मैं इसको निकाल लिया है मैंने बैग से ही, तो इसमें मिट्टी बड़ी टाइट लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। ये देखो सॉफ्ट नहीं है, टाइट है ये, थोड़ा सा ही निकालूंगी मैं इसकी और इसको ऐसे ही लगा दी। देखो अब इस समय ये थोड़ा, अभी 5 मिनट भी नहीं हुई और ये मुरझाना शुरू हो गए। बड़े आराम से लगाना है इसको, बहुत ही नाजुक होते हैं ये बहुत, क्योंकि ये सैकुलेंट फैमिली से होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं इनकी पत्तियाँ, लीव्स ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनकी ब्रांचेज भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो इसको हमने जो है बहुत ही आराम से लगाना है, और गमले में जो है ये होल ज़रूरी होने चाहिए, और होल के ऊपर मैंने छोटे छोटे पत्थर रख दिए हैं ताकि इसकी मिट्टी ना निकले। और आप कुछ भी रख सकते हैं, कंकड़ पत्थर कुछ भी रख सकते हैं, या टूटे हुए गमले के टुकड़े रख सकते हैं। अब मैं इसमें मिट्टी भरूँगी, ये सोयल वहाँ तक भरेंगे जहाँ तक ये देखिए मैंने इनकी रिपोर्टिंग कर दी है, इनको गमले में शिफ्ट कर दिया और इनको बड़े आराम से करना पड़ा। और मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकी मिट्टी डालते या इसमें लगाते हुए, क्योंकि इसको कैमरे को पकड़ना पड़ रहा था एक हाथ से, लेकिन इन्हें दोनों हाथ चाहिए, क्योंकि दोनों हाथ से लगाना पड़ता है इनको, बड़ा संभाल के इनको लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है इसकी लिप्स, ये सैकुलेंट फैमिली से होता ना, ये काफ़ी नाजुक होता है ये प्लांट। और इसकी जो रूट्स थी वो भी काफ़ी इसमें सॉफ्ट निकली, बहुत बारीक बारीक और सॉफ्ट थी। और वैसे तो ये विंटर का प्लांट होता है, लेकिन ये 12 महीने का है और विंटर का, और वैसे ये धूप भी काफ़ी पसंद करता है। अगर आप इसे धूप में रखोगे तभी ये फूल इसी तरह खिलेंगे जैसे मेरे खिल रहे हैं, ये धूप में खिलते हैं। अगर आप इसे छाया में रख दोगे तो ये बंद मिलेंगे, ये फूल खिल ही नहीं पाएंगे, ये बंद रहेंगे। और तब अगर आप धूप में रखोगे इनको तो तब ये खिल जाते हैं इस तरह, और वो भी 12 बजे के आसपास खिलते हैं, इसीलिए इसे मिड डे प्लांट भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें पानी डालते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसमें पानी बहुत ही कम पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सप्ते में 2 बार भी दे दोगे ना, 1 बार भी, तो ये तब भी चलता रहेगा, पानी बहुत कम लेता है ये। बस इसका पानी का ध्यान रखना, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये गल जाता है, तो पानी हम इसे कम से कम देंगे विंटर में, इसको विंटर में सिर्फ सप्ते में 1 बार भी इसमें चल जाएगा। अगर हमने इन्हें गर्मियों में बचाना है तो ये एकदम ठंडी जगह रखना, जहाँ आपका सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया होगा तो वहाँ इनको रखना है, ये आइस प्लांट को, तो ये बच जाएंगे। अगर आप गर्म धूप में रखोगे तो ये नहीं बच पाएंगे, और जैसे जैसे गर्मियाँ अब बढ़ती चली जाएंगी, अभी तो ठंड है, जनवरी का महीना है और यहाँ पर गर्मियाँ जैसी शुरुआत हो जाएंगी, इनको बिल्कुल जो है एकदम छाया में रखना है इनको, और रोशनी तो मिले इन्हें, लाइट तो मिले, मगर ये है कि एकदम इसको छाया में रखना, ठंडी जगह जहाँ हमारा सबसे ठंडा स्थान है उसी में रखना है इसको, तो ये चलते रहेंगे पूरे साल। और इनको हम बीजों से तैयार कर सकते हैं, इनके जब बीज बन जाएंगे, ये सूख जाएंगे प्लांट, तो इसके बीज तैयार हो जाते हैं, तो हम इन्हें बीजों से भी और कटिंग से भी दोनों से तैयार कर सकते हैं। खूबसूरत प्लांट होता है, ये देखो इसके क्रिस्टल अभी भी ऐसे खूबसूरत लग रहे हैं, एक बार और दिखा देती हूँ, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो बहुत ही सुंदर लगता है, बड़ा नाजुक होता है, ये कलर भी अच्छे हैं लगते हैं इसमें, सारे कई सारे कलर में आता है, मैं तो 2 ही लाई हूँ। और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, अगर पहली बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे मेरी।